पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ कालका जी के डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सीलेंस का दौरा किया, साथ ही मोहल्ला क्लिनिक जाकर वहां का सिस्टम भी समझा। दिल्ली के स्कूल का दौरा करने के बाद भगवंत मान केजरीवाल सरकार के एजुकेशन मॉडल के मुरीद हो गए। भगवंत मान ने केजरीवाल सरकार के सरकारी शिक्षा को नेक्स्ट लेवल एजुकेशन करार दिया। वहीं मोहल्ला क्लिनिक्स के कॉन्सेप्ट भी भगवंत मान को बहुत भाए हैं और पंजाब में भी उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दिल्ली मॉडल जैसा काम करने का आश्वासन दिया। अपने स्कूल दौरे के वक्त पंजाब सीएम दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को देख काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान वो स्कूल में कई बच्चों से बातचीत करते भी नजर आए। उनका कहना है कि यहाँ सुविधाएं ज्यादा हैं, इन छात्रों के पास नए विचार हैं और ये सच में माइंड ब्लोइंग है। बच्चे जिहड़े ने मोहल्ला क्लिनिक एक क्लास इस तरह की चल रही थी जिथे पेपरलैस है, सिर्फ डिजिटल स्क्रीन चल रही है, बच्चों को जिहड़े ने लैपटॉप ने उसे ती पढ़ाई चल रही है और एक क्लास इस तरह की चल रही थी कि कोई टीचर कितों होर बैठे स्पैशलिस्ट ने जिहड़े वो ऑनलाइन पढ़ा रहे ने। सो मोहल्ला क्लिनिक भी देखांगे, हॉस्पिटल भी देखने। सो मैनू लगता है इतों जिहड़ा सानू बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो यही असी कहा सीगा कि दिल्ली जे स्कूल वधिया हो सकते हैं पंजाब क्यों नहीं हो सकते, दिल्ली जे मोहल्ला क्लीनिक हो सकते हैं, सरकारी अस्पताल वधिया हो सकते हैं, पंजाब क्यों नहीं हो सकते। सो असी लागू करांगे जी। बिल्कुल हेल्थ ते एजुकेशन मिनिस्टर भी आए ने, ऑफिसर्स भी आए। भगवंत मान के स्कूल दौरे के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे, जिन्होंने विस्तार से भगवंत मान को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुए विकास के बारे में बताया। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पंजाब से आए डेलीगेशन को दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता ने ब्रीफ किया। दरअसल पंजाब सीएम भगवंत मान के इस दौरे का लक्ष्य है कि वे यहां की व्यवस्था को समझें और इसी के आधार पर पंजाब में भी स्कूलों की स्थिति को बेहतर करें। यही वजह है कि अपने 2 दिन के दिल्ली दौरे में भगवंत मान स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला क्लिनिक्स और अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।